बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू ब्रिटिश एशियन फूड। एक दफ़ा फिर शेफ़ इरफान आपकी खिदमत में हाज़िर है बहुत ही यमी रेसिपी लेके, जिसका नाम है चिकन जिंगर बर्गर, जो कि KFC स्टाइल में बनाऊंगा अपने स्टाइल में। तो आप प्लीज़, आपको जो भी रेसिपी चाहिए मुझे आप इनबॉक्स किया करें, आपको ऑथेंटिक रेसिपी दूंगा जो कि आपको किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और जो देखते हैं प्लीज़ गाइस, इट्स नॉट बिग डील, जस्ट आपने एक बटन ही प्रेस करना है, उससे कम अज़ कम आपको अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी आपके डोर स्टेप पे और इजी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, थैंक यू। सबसे पहले मैंने इसके लिए फ़्लावर लिया है, प्लेन फ़्लावर, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी, 4 कप्स मैंने लिए हैं। चिकन ब्रेस्ट मैंने 500 ग्राम लिया है, आप थाई भी यूज़ कर सकते हैं। बर्गर के लिए ऑफ कोर्स आपको बर्गर बन तो चाहिए। आइसबर्ग लेटस, टोमेटो स्लाइस, चीज़ स्लाइस, हाफ हाफ जो टीस्पून है वो मैंने रेड चिल्ली पाउडर का लिया है, हाफ टी स्पून पपरिका, हाफ टी स्पून जो है वो जिंजर का पेस्ट, सॉरी पाउडर पेस्ट, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, 5 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ ली है, ये कुछ मैं बर्गर की बेस में लगाऊंगा और उसके बाद फिर बर्गर सॉस भी बनाऊंगा। बर्गर सॉस के लिए केचप चाहिए 1 टेबल स्पून, वॉस्टर सॉस चाहिए वे भी तकरीबन 1 टेबल स्पून, उसके बाद टबास्को चाहिए, ये अगर आपके पास ग्रीन है तो ग्रीन, अगर रेड है तो इसमें आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाफ टी स्पून आपको येलो मस्टर्ड चाहिए। अभी चिकन को स्टार्ट करते हैं मैरिनेट करना। चिकन को मैंने तकरीबन हाफ एन आवर के लिए विनीगर और प्लेन वाटर में डाल कर रख दिया था, अभी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो सब डालते हैं। चिलीज, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, पापरिका, अभी अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करके हम इसे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे और एज़ पर टेस्ट जितना आपको अपने स्वाद अनुसार। हाफ एन आवर मैंने इसे फ्रिज में मैरिनेट करके रखा था, अभी टाइम है इसे ब्रेडिंग करने का। जो मेन जो है इसका ट्रिक वो इसको ब्रेडिंग ही है, आपको मैं बताता हूँ इसकी ब्रेडिंग किस तरह करेंगे। ब्रेडिंग के लिए आपको एक बाउल में वाटर चाहिए, और सबसे पहले हम इसको चिकन को लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह, पहले बहुत जेंटली, उसके बाद फिर आप इसको इस तरह करेंगे, आपको इस तरह होना चाहिए हैंड। जितनी अच्छी आप इसको ब्रेडिंग करेंगे उतने ही अच्छे क्रम्स बनेंगे, ये चीज़ अपने जेहन में रखें। से तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने फ्लावर के अंदर इस तरह घुमाना है, ये देखें 2 मिनट तक मैंने सिर्फ इसे फ्लावर के अंदर, फ्लावर में और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना कोई सॉल्ट, ना कोई पेपर, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप हमें दब दें हर चीज़ इसमें। अभी इस तरह ये करने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक, अभी इसको हम प्लेन वाटर है जो, उसके अंदर इस तरह डिप करेंगे, डिप करके निकालेंगे और फिर फ्लावर के अंदर, और वही वाला प्रोसेस तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए दोबारा करेंगे। जिससे अच्छे क्रम्स बनेंगे, क्रिस्पी होगा, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा आपको बर्गर खा के, आप भूल जाएंगे KFC को। ये देखें कितने मज़े के क्रम्स बने हैं, यही इसकी टेक्निक है ब्रेडिंग की, ठीक है। अभी इसी तरह आपने जितने भी हैं आपके पास बर्गर, उनको इसी तरह ब्रेडिंग कर लें। बिल्कुल तकरीबन मैंने चेक किया है, इसका टेम्परेचर इस वक्त 150 है,
आपने इसको 150 से 160 टेम्परेचर पे तकरीबन 7 से 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस किसी के पास फ्रायर है घर में वो फ्रायर यूज़ कर ले। जब तक चिकन जिंगर बर्गर फ्राई हो रहे हैं तब तक हम जो बर्गर की सॉस है वो रेडी कर लेते हैं। मायनीज के अंदर वोस्टर सॉस, टबास्को सॉस, जितना हॉट आपने सॉस बनानी है उस हिसाब से आप डाल लें। इंग्लिश मस्टर्ड और टोमेटो केचप, सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। सॉस हमारी रेडी है बर्गर के लिए। तो अभी पोजीशन में है ये देखें, माशाल्लाह आप इसके क्रम चेक करें कि साइड मैंने चेंज की है। बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हम उतनी देर में अपने बन जो हैं वो टोस्ट कर लेते हैं। मैंने ये ग्रिल वाला पैन लिया, इसके अंदर थोड़ा बटर डाला है और इसके अंदर आप कोई से वाले भी बंस ले सकते हैं। अगर आपको सेसमी सीड वाले लेने हैं वो ले लें, प्लेन ले लें, जो वाले आपको अच्छे लगते हैं। ये बर्गर आप ज़रूर घर पे ट्राई करें, ये कॉस्टली भी आपको कम पड़ेगा, बाहर से आपको एक्सपेंसिव पड़ता है और टेस्ट भी अच्छा होगा और साफ़ सुथरा आप अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। आपको पता होगा ये कितना नीट एंड क्लीन है, मैंने अपने हाथ से बनाया है, ठीक है। और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। आप अपने हाथ से चीज़ बनाएं और किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसके क्रम्स, ये 7 मिनट हो गए हैं, अभी मैं इन्हें बाहर निकाल रहा हूँ। इसको ये शेव देना ही, इसके क्रम्स ही बनाना सबसे बड़ी बात ही यही है। बाकी इसकी मैरिनेशन तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, मगर ये ही इसके, ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे क्रम्स बने हैं और इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है। अभी हम इसकी जो है जिंगर को बर्गर को बनाते हैं। सबसे पहले नीचे मैंने इसके सॉस लगाई है, जो होममेड सॉस मैंने बनाई थी, बर्गर सॉस। अभी इस पे लेटस, टमाटो स्लाइस, और बर्गर जिंगर। अगर आपने चीज़ भी लगानी है तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर आपने चीज़ नहीं लगानी तो अप टू यू, एंड दैट्स इट। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ फाइनल लुक। ये देखें ये इसकी फाइनल लुक है माशाल्लाह, होममेड चिकन जिंगर बर्गर, डिलीशियस, लुक्स यमी, क्रिस्पी। इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी फूड टेस्टिंग के लिए मेरे जो बेटे हैं वो आपको बताएंगे कि कैसा इसका टेस्ट है। Taste my dad's burger. It's yummy and it's better than Kathy's diet. Yes, Salamikum. So, look at the burger. It looks so yummy and it's so massive. No, mine is small. Okay. How should I eat this? 3, 2, 1. Okay, put this. It's yummy. It's yummy. This chicken inside, it's so yummy and it's so crunchy. Let's see. Just forget the KFC and McDonald's. Just focus on this delicious burger. Yeah. So 100% recommended. So guys, please subscribe my dad channel. Please subscribe my channel. The link is in the description below. Yeah. Right here. Everywhere. Here. So
and like the video. So guys, make sure to like, subscribe and share. So bye guys. So goodbye. Bye.